उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने तथा प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल की अध्यक्षता में व्यापारियों ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार करते हुए मिष्ठान का वितरण किया, जिसके संबंध में राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने पर हम सब उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और उनके आने से देश का विकास होगा और प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। फिर से जो उनका नया कार्यकाल है और भी अच्छा कार्यकाल रहेगा और सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी जीत का श्रेय प्रदेश की पूरी जनता को जाता है। योगी आदित्यनाथ के जीत में जो उत्साह राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने दिखाया वह सभी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारी विनोद प्रताप, गोविंद राव, सूरज नाथ गुप्ता, पृथ्वी गुप्ता, रोहित गुप्ता, बिंदु सिंह, रोली पाठक, ममता, राधा, रंजीत अग्रवाल, कुंदन, प्रभु गुप्ता, अंकिता कन्नौजिया, एकता, कैलाश मुदगल, निर्मल गुप्ता, मुन्ना, आरिफ, नंदे, ईशु लालवानी, आकाश गुप्ता, सुनील गुप्ता, भारत, राजेश तिवारी, प्रशांत त्रिपाठी, वीरू, दुर्गेश कश्यप, सुबोध श्रीवास्तव, अजय मणि त्रिपाठी, कमालुद्दीन, विशाल सिंह, संदीप गुप्ता, रवि कुमार वर्मा, अजय गुप्ता, रामजी वर्मा, शशिकांत तिवारी, शंभु वर्मा, अश्वनी गुप्ता, अंकुर पांडे, विकास गुप्ता, कृष्णा वर्मा, प्रेम टोनी, राम प्रताप गुप्ता, राजन गुप्ता, शशांक गुप्ता, रमेश लाल श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के ग्राहक उषा पांडे, सुबोध श्रीवास्तव, अजय मणि त्रिपाठी, पूर्वांचल सर्राफा मंडल के महामंत्री केशव वर्मा और राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने कहा। Yeah.
ऐसा कोई काम करने की जरूरत है, ना ही किसी तरह की उनको चिंता करने की जरूरत है। जैसे वो मुख्यमंत्री हम लोग के वैसे आप लोग के वैसे सबके हैं, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों ने दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस जिम्मेदारी के साथ साथ एक एक उनके ऊपर आप लोगों का विश्वास है, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि साहब सरकार नहीं आ रही, सरकार जा रही है, लेकिन जो अंडर करंट था लोगों के अंदर, जो फीलिंग्स थी, उस फीलिंग्स को आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, वोट दिया, और वोट ही नहीं दिया, प्रचंड वोट बम्बस है गोरखपुर के लिए। तो और सौभाग्यशाली बात है कि 9 की 9 सीट को आपने उनकी झोली में डाला। महाराजगंज में केवल एक सीट को छोड़कर के ये सारी सीटें जो पुराना मंडल है गोरखपुर मंडल, उसमें आप लोगों ने दिया है, और इसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हम आप लोग, चूंकि ये जीत का जश्न है, ये हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इसमें शामिल हो। अभी सारी दुकानों पे मिष्ठान का वितरण किया जाएगा, सबको मिष्ठान दिया जाएगा, और इस जीत की खुशियों में सबको शामिल किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हम लोग जीत के जश्न में शामिल हो, और एक बार फिर आप सभी को राप्ती कांग्रेस व्यापार समिति के संदर्भ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संयोजक विनोद प्रताप गुप्ता जो अध्यक्ष प्रभारी हैं, भाई पृथ्वीनाथ गुप्ता जी, भाई सूरजनाथ गुप्ता जी, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नाम किसका लूं, सबके तरफ से रंजीत अग्रवाल जी, वो हमारे प्रचार मंत्री भी है। खुशी है, हम लोग चाहते हैं कि जोगी जी ही रहे, हम लोग रक्षा करें। उनकी जीत पे कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, बहुत ढेर सारा। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कितनी सुरक्षित आप लोगों के यहाँ? हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, 100% से आगे हैं। वाह, बहुत। श्रीमती उषा पांडे, केशव कुमार वर्मा, पूर्वांचल सराबा समिति महामंत्री। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है, और सारे जितने राप्ती कपड़े व्यापार समिति के व्यापार गढ़ हैं सबको बहुत खुशी है। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज योगी आदित्यनाथ बाबा के मुख्यमंत्री बनने खुशी में आज यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और मिष्ठान का वितरण किया गया है। क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? क्षेत्रवासी तो ये कहें कि इसी तरह सहयोग अपना बनाए रखें बाबा के ऊपर, और विकास कर इसी तरह गाथा को आगे बढ़ाते रहें। सुबोध श्रीवास्तव, योगी जी के आने से देश का विकास होगा, प्रदेश का तो चौमुखी विकास हो रहा है, उन्होंने साबित भी किया है। फिर से ये जो नया दूसरा कार्यकाल होगा और भी ज़्यादा बढ़िया निकलेगा, और सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, प्रदेश विकास करेगा, एक एक नए आयाम को छुएगा। जीत का श्रेय प्रदेश की जनता को, और जनता वो जो पूर्व
और जो काम किया उन्होंने उस काम को जाता है जितना काम किया है। क्या लगता है विरोधियों की गर्मी शांत होगी? देखिए विरोधी तो पहले भी शांत थे, वो अनपेक्षित था उनका, उतना वो उनका करना था, उनके उनकी कार्य संस्कृति ही वही है, वो उसी तरह करेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो उनको पता था। लेकिन दम से लड़े लोग, ये विपक्ष में भी जिन लोगों ने लड़ा वो दम से लड़े, इसलिए उनको वो भी बधाई के पात्र हैं। बाकी जनमानस है, जनता है, जनता ने जिसको समर्थन दिया वो राज करेगा। अजय मणि त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष, राप्ती नगर मंडल। जश्न मनाया जा रहा है, महाराज जी को गोरखपुर की जनता बहुत प्यार करती है और राप्ती कॉम्प्लेक्स के सारे व्यापारी जो ये कार्यक्रम महाराज जी की खुशी के लिए कर रहे हैं वो बधाई के धन के पात्र हैं, बधाई पात्र हैं। इन लोगों ने यहाँ ये उत्साह महाराज जी की खुशी में जो उत्साह यहाँ के दुकानदारों ने दिखाया, इस कॉम्प्लेक्स से हर परिवार से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा वोट भी मिला हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर महाराज जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे, तो जनसंपर्क इस कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों का है, यहाँ के सारे लोगों का हम लोग के साथ था। और महाराज जी ने बम्पर जो जीत 1,00,000 वोटों से ज़्यादा जो जीत दर्ज कराई है उस सभी गोरखपुर वासियों का सहयोग रहा, और हम लोग महाराज जी को हमेशा हमेशा विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। गोरखपुर का इतना विकास उन्होंने किया है कि और पूरे उत्तर प्रदेश का भी किया है, गोरखपुर का विशेषकर ध्यान रखते हैं, और हमारे पूज्य महाराज जी हम सभी गोरखपुर निवासियों के दिल में बसते हैं, एक आस्था का केंद्र है, और इस नाते हम लोग खुशी में आज उसी राप्ती कॉम्प्लेक्स में सभी को मिष्ठान भी वितरण कर रहे हैं, सभी का मुंह मीठा भी कर रहे हैं। ये सभी दुकानदार भाई और राप्ती कॉम्प्लेक्स भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, मैं संयोजक यहाँ का हूँ राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का। राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापारियों के समस्त व्यापारियों की तरफ से इस कार्य का आयोजन किया गया पूज्य महाराज जी के जीतने की खुशी में और भाजपा सरकार बनने के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल के साथ समस्त व्यापारियों के सहयोग से किया जा रहा है, और हम लोग इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जीत का श्रेय जनता को देते हैं हम लोग यहाँ की, जिन्होंने महाराज जी को जो है चुना, और महाराज जी के सुशासन को जिन्होंने और विकास को जिन्होंने चुना है।